की प्रत्याशी सरोज पांडे ने बीजेपी की जीत का दावा किया और दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामकाज पर जनता वोट करेगी। सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखेंगे। सरोज पांडे ने न्यूज 18 से खास बात। को लेकर जो प्रचार प्रसार का दौर है जो वो तेज हो चुका है और कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सरोज पांडे है, वहीं कांग्रेस ने रिपीट करते हुए ज्योतिरा चरण दास महान को मैदान में उतारा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे जी, उनका सीधे बात करेंगे। मैडम, किस तरीके का लोगों का मूड देख रही है, लगातार प्रचार कर रही है आठ विधानसभा में? लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, उन विकास को लेकर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। पिछले 10 वर्षों में बहुत काम हुए और उन कामों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई वो योजनाएं गरीबों की थी, गरीबों के लिए थी। और ऐसा पहली बार हुआ कि उन वर्गों को भी प्रतिनिधित्व मिला जो वर्ग बहुत लंबे समय से उपेक्षित थे। मुद्दे की अगर बात करें तो किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं, क्या मुद्दा है? हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां, पिछले 10 वर्षों में हुए काम, विकास के विषय को लेकर, भविष्य में यहां पर विकास को लेकर, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का परिवारवाद है, कांग्रेस की निष्क्रियता है सांसद की, उसको लेकर जनता के बीच में उस विषयों को रख रहे हैं। कांग्रेस सांसद पर आरोप लगातार लग रहे हैं कि वो लापता रही है, 5 साल कोई काम नहीं करी, क्या देखते हैं आप, क्या कुछ काम हुआ है? पूरे क्षेत्र में बहुत बदतर हालत है, विकास के नाम पर शून्यता है। पिछले 5 वर्षों में और इनकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार होते हुए भी इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पाया। बहुत छोटी छोटी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, वो योजनाएं भी ईमानदारी से नीचे नहीं उतरी। प्रधानमंत्री आवास नहीं बना, नल जल योजना की हालत बदतर कर दी इन्होंने। यहाँ पर जहाँ पर 8 इंची पाइप लगाने थे वो नहीं लग पाया। डीएमएफ फंड में बड़ा घोटाला हुआ, 2-2 कलेक्टर अंदर गए। तो स्थितियाँ अच्छी नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में जिस प्रकार से काम होने चाहिए थे वो कोई काम नहीं हो पाए। मोदी की गारंटी और भाजपा सरकार की जो 3 महीने का कार्यकाल, उसको जनता किस रूप में देख रही है? देश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, देश की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। इसका प्रमाण है कि हमारे यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महतारी बंधन योजना के लिए 12,000 रुपए देने की बात करी, तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय 15,000 देने की बात करी, लेकिन वो 15,000 की तरफ नहीं गए, वो 12,000 पे गए, क्योंकि वो मोदी जी की गारंटी थी और जनता मानती थी कि मोदी जी ने कहा है तो पूरा होगा, और महतारी बंधन योजना पूरा भी हुआ। आप बिना रुके आठों विधानसभा में लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, क्या लोगों का रुख देख रही हैं आप उसमें? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं, उनकी गारंटी पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि क्षेत्र में अच्छा होगा, नया होगा, और मोदी जी इस क्षेत्र के लिए बहुत विशेष योजनाएं देंगे। इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी को उतारा है, रिपीट किया है, दीदी वर्सेस भाभी, कौन किस पर भारी है? ना कोई दीदी ना कोई भाभी, कहीं मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई मैदान में, कांग्रेस पार्टी कहीं मैदान में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो परिवार से आती हैं और कठपुतली हैं, कोई काम नहीं करती हैं, ना बोलती हैं, ना क्षेत्र में जाती हैं, ना लोगों के सुख दुख में शामिल होती हैं, और चुनाव प्रचार भी वो स्वयं कम करती हैं, उनके पति ज्यादा करते हैं, वो अपने पति की ही कठपुतली हैं। वो मुझको पूछती हैं कि वो अपने पति के कहने पर चलती हैं, मैं किस पे कहने पर चलती हूँ? मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं जनता के कहने पर चलती हूँ, और पति के कहने पर चलती है, इसलिए इस क्षेत्र की स्थिति बेहद खराब है। कल केंद्रीय मंत्री का भी दौरा होने वाला है, अमित शाह आ रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास है, जनता को संबोधित करेंगे, और उनके एक भाषण को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे आरक्षण के विषय को लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, गुमराह करने का प्रयास किया, वोट की राजनीति करी जैसा कि कांग्रेस पार्टी करती है, तो इन सब विषयों को लेकर हमारे यहाँ पर हमारे नेता यहाँ क्षेत्र में जनता को संबोधित करेंगे। यहाँ रेल की बड़ी समस्या है, जो अब तक पिछली सांसद जो रही है वो पूरी नहीं कर पाई है, भूस्थापितों की अलग समस्या है, पेयजल नहीं मिल रहा है, क्या रहेगा आपका अगर जीत कर आती है तो? रेल की समस्या का जहाँ तक विषय है, यहाँ पर 6,000
782 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसों से क्षेत्र में रेल की योजनाओं पर काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ और देश में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा काम हुआ। यहाँ पर जब काम हो रहे थे तो थोड़ी व्यवस्थाएं रुकती हैं, क्योंकि काम करने के लिए उस समय रेल को डाइवर्ट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो रेल की परेशानियां दिख रही है। लेकिन आगामी 6 महीने में रेल की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, बेहद सुविधाजनक होगी। पालक सांसद रहते हुए आपने कोरबा की जनता के लिए क्या उपहार दिया? मैंने 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का इस क्षेत्र में विकास कार्य कराया। यहाँ पे मैंने सामने आने वाले समय में क्षेत्र में नई योजनाओं को लागू करने के लिए मैंने बात कही है, जो आने वाले समय में लागू होंगी। एक अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, आयुष एम्स होगा, हमारे यहाँ पर्यटन को हम उद्योग के तौर पर स्थापित करेंगे, फार्मेसी कॉलेज है, ITI है, लॉ कॉलेज है, इन सबको इन क्षेत्रों में जिसकी बेहद जरूरत है। सभी ग्राम पंचायतों में 25-25 लाख रुपए देने की बात करी है। आप महापौर रही है, विधायक रही है और सांसद राज्यसभा की रही है और आपने कई रिकॉर्ड कायम किए, क्या ये लोकसभा में रिकॉर्ड कायम होगा? जनता आशीर्वाद देगी, मैं ऐसा मानती हूँ। क्षेत्र में निश्चित तौर पर बेहद मजबूत स्थिति है भाजपा की। तो देख सकते हो कि ये लोकसभा प्रत्याशी हैं सरोज पांडे, जो बेबाकी से अपनी बात रख रही थे और जनता आशीर्वाद देगी तो निश्चित तौर पर वो यहाँ से जीत कर जाएंगे और लोगों की जो है सेवा करेंगे। अब्दुल असलम, News 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।